जिला गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में सेंट मैरी स्कूल पर पेरेंट्स का जमावड़ा लगा। फीस वृद्धि को लेकर आदेश दिया था कि कुछ क्लासेस की बढ़ी हुई फीस को वापस किया जाए। इसी विषय में बात करने के लिए आज कुछ पेरेंट्स स्कूल पर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि गार्ड ने पेरेंट्स को अंदर जाने से रोक लिया। इस दौरान गार्ड और पेरेंट्स के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और आरोप है कि इस दौरान गार्ड की बंदूक की बट एक अभिभावक को लग गई। ये अभिभावक हार्ट पेशेंट हैं और अचानक ही वहां पर गिर पड़े। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मेरा नाम विवेक त्यागी है, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन। क्या मामला है? आप एक सेंट मैरी स्कूल पे गाजियाबाद में है, क्या है शास्त्री नगर, क्या मामला है? मामला ये है कि जिला स्तरीय शुल्क नियामक कमेटी फीस निर्धारण के लिए बनी है सभी स्कूलों ICSE और CBSE बोर्ड के लिए। तो इस स्कूल की शिकायत वित्तीय अनियमितता को और फीस वृद्धि को लेकर की गई थी पेरेंट्स द्वारा। तो जिला स्तरीय शुल्क नियामक कमेटी ने एक डिसीजन दिया है कि भी आप पे 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है सेंट मैरी स्कूल पे, और क्लास फर्स्ट से सेकंड तक 3,500 रुपए फीस वापस करने हैं स्कूल को। क्लास थर्ड से फाइव तक 3,700 रुपए, 3,900 रुपए और 3,400 रुपए ये फीस इन्होंने वृद्धि की थी, वो वापसी होनी थी। ये डिसीजन आए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी स्कूल ने फीस वापसी नहीं दी है। ये सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश के हिसाब से सभी पेरेंट्स आज यहाँ फीस वापसी के लिए आए थे। तो यहाँ पे गार्ड हैं जतिन त्यागी, यहाँ अभिभावक हैं, उनको गार्ड ने जो है धक्का दिया और बंदूक की बट मारी है। उनके हार्ट में स्टंट डले हुए हैं और वो लोग हॉस्पिटल में लेके उन्हें गए हुए हैं और एडमिट है। आपका कहने का मतलब है जिनको बट मारी गई है जतिन जी को, वो एक हार्ट पेशेंट है? जी हाँ बिल्कुल जी। अब कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है वो? वो अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं उनको। जी जी जी, ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, अभी फिर 100 नंबर पे डायल किया गया है पुलिस को, और पुलिस अंदर लेके गई अभिभावकों को भी और खुद स्वयं भी। तो खुद पुलिस भी जो है उनसे निर्णय नहीं ले पाई कि वो कब तक फीस वापसी करेंगे। हमने कहा भी ठीक है आप फीस वापसी एक दिन में करें, 10 दिन में करें। स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल प्रशासन कह रही है कि हम जो मैनेजमेंट से बात करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे, सरकार का आदेश हमें कोई वैल्यू नहीं करता। ये तो आज डिनाई कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं है, ना तो कोई ऐसा आदेश है, या फेक न्यूज है।